और हम जा रहे हैं अभी आगे की साइड में। आगे से देखोगे तो यार खुश हो जाओगे, क्या बड़े बड़े पहाड़ है पर। भाई देखो कितनी बड़ी लाइन में लग के अब मेरा नंबर आ रहा है। आधा पौना घंटा हो गया लाइन में खड़े खड़े, टिकट के लिए लाइन है ये। तो गाइस हम जा रहे हैं कोयम्बतूर। यार गाड़ी एक घंटे से लगी हुई है और मेरे को पता ही नहीं है भाई, बोलो ये कब से लगी हुई है और मैं नीचे बैठा हुआ था। तो गाइस अपन बैठते हैं यहाँ पे, गाड़ी चल दी हमारी कोची एर्नाकुलम को कहते हैं बाय बाय और चलते हैं अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। और अब नए नज़ारे, नई सिटी, नए लोगों से मिलेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस ये रही अपनी गाड़ी जो जा रही है, जिसमें अपन आए थे कोयम्बतूर। अभी अपन कोयम्बतूर उतर गए हैं अभी हाल ही। गाइस अभी अपन पी रहे हैं चाय और एक पंगा हो गया, अपनी पानी की बोतल अपन उसमें ही भूल गए ट्रेन में और ट्रेन चली गई है तो ये लफड़ा हो गया। बोतल है नहीं और वो स्टील की बोतल थी, अब क्या करेंगे समझ नहीं आ रहा है। बिना बोतल के प्लास्टिक वाली लेनी पड़ेगी अब। तो चलिए चलते हैं गाइस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, फिर बाहर निकलेंगे और यहाँ से जाना है अंडरग्राउंड से, चलते हैं। तो गाइस हम आ चुके हैं बाहर कोयम्बतूर रेलवे स्टेशन के और ऐसा है कुछ स्टेशन के बाहर का नज़ारा, ये देखो। और मॉर्निंग हो रही है सुबह ही, इतना मतलब ठंडा एकदम चिल्ड मौसम है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये है स्टेशन की बेजिंग कोयम्बतूर जंक्शन और ऐसा है कुछ स्टेशन। चलिए गाइस चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं अपनी जगह को, देखते हैं यहाँ बस कहाँ से मिलेगी। सामने बस दिख गई है, चलते हैं बस स्टैंड पे और पूछते हैं कहाँ से जाएगी बस। और अपन जा रहे हैं आदि योगी, पहली जगह है, फर्स्ट जगह आदि योगी, देखते हैं यहाँ बस का क्या सीन है, मिलती है कि नहीं यहाँ से। महात्मा मारुथमाला लिखा है, गांधीपुरम लिखा है। आदि योगी जाने के लिए कौन सही बताएगा। तो गाइस सामने है रेलवे स्टेशन और यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है गांधीपुरम। तो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर गांधीपुरम है, तो गांधीपुरम जाना पड़ेगा पहले और फिर गांधीपुरम से आदि योगी का बस मिलेगा। तो अभी मॉर्निंग है, सुबह के 7:30 बज रहे हैं, एकदम ठंडा मौसम है चिल्ड। तो गांधीपुरम अपन चलते हैं पैदल पैदल, अभी कुछ 10-15 मिनट में अपन गांधीपुरम पहुंच जाएंगे और फिर गांधीपुरम से अपन बस लेंगे आदि योगी का। तो चलिए चलते हैं, साथ में नज़ारे भी देखते चलेंगे और सुबह का मज़ा भी ले लेंगे, वॉक भी हो जाएगी अपनी, काफ़ी काम बन जाएंगे। वैसे वॉक तो रोज़ हो रही है, लिमिट नहीं ओवर लिमिट हो रही है, लेकिन आज का कोटा भी अपन पूरा कर लेते हैं। गांधीपुरम जाना है ना, तो देखो ये बसें मुड़ रही है ना, बसें अधिकतर उस साइड राइट मुड़ रही हैं, मतलब बस स्टैंड राइट में है। चलिए चलते हैं। तो गाइस ईसा फाउंडेशन आदि योगी का बस मिल गया है और हमें रिक्शा वाले ने गलत बताया था कि बस स्टैंड पर जाना पड़ेगा, रेलवे स्टेशन के सामने ही से सामने से ही बस जाता है। बस का नंबर है 14D ईसा फाउंडेशन आदि योगी, तो यहीं बस रेलवे स्टेशन के सामने से ही बस जाता है। देखो अभी हम रेलवे स्टेशन पे ही हैं, तो ऐसा है कि यहाँ से फोकट ही अपन इतना चल के गए और बिना मतलब की कसरत हो गई। रेलवे स्टेशन के बाहर निकलो और बाहर से ही बस मिल जाता है ईसा फाउंडेशन आदि योगी जाने के लिए, तो बस स्टैंड जाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे कोई नहीं, अपन जाए गए फिर बस लेके यहीं पे आई वापस से और यहीं होके गई है। तो चलिए चलते हैं अब ईसा फाउंडेशन, बस भरी हुई है और इसकी जो टिकट है वो है
39 रुपीस की, 40 रुपये लिया मेरे से। ये रहा रेलवे स्टेशन आ गया, देखो नदी। है रेलवे स्टेशन, यहीं से बस मिल जाती है, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर कोई आए तो यहाँ से जा सकता है। 14D नंबर की बस है, कंफर्म कर लो एक बार बैठने से पहले, और बैठो और जाओ। तो गाइस हम पहुँचने वाले हैं, जस्ट 1 किलोमीटर बचा है, और चलते हैं फटाफट, उतरते हैं बस से। तो भाई ये रही अपनी बस, और पहुंच चुके हैं हम ईसा फाउंडेशन। और देखो कितनी सारी पब्लिक है, देखो ये सब पब्लिक ईसा फाउंडेशन की है। और क्या है ईसा फाउंडेशन में, ये तो आपको पता ही है, नहीं पता है तो हम बता देते हैं, नहीं ले चलते हैं दिखा देते हैं, खुश हो जाओगे देख के। फ़ोटो देख लिया, समझ में आ गया होगा अब तो, अब दिखाते हैं रियल। तो गाइस हम हैं ईसा फाउंडेशन में, यहाँ पे लॉर्ड शिवा की 112 फीट ऊंची मूर्ति है, आदि योगी भगवान है। और ईसा फाउंडेशन इस जगह का नाम है, कोयम्बतूर में है ये जगह। चलते हैं अब अंदर। तो गाइस देखो, अगर किसी को चल के नहीं जाना है तो वो इस गाड़ी पे बैठ के भी जा सकता है, बैलगाड़ी पे। तो गाइस देखिए, इनका नाम है सचिन भाई, और ये महाराष्ट्र से आए हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए। स्पेशल बाबा के, महादेव बाबा के दर्शन करने आए हो? हाँ, स्पेशल आदि होगी, मतलब देखने बहुत दिन से इच्छा था हमारा यहाँ आने का, लेकिन आज का दिन मतलब हम आ ही गए। चलो अच्छा है यार, आपको बुलावा आ गया और आप आ गए यहाँ पे। बहुत मतलब दिल से चाहा था आने के लिए, मतलब आज का दिन मतलब आ ही गए। चलो अच्छा है, तो आ ही गए हो तो चलो अब दर्शन भी कर लेते हैं। चलिए चलते हैं, क्योंकि मैं ना 15 दिन से घूम रहा हूँ मैं। 15 दिन से मैंने होटल नहीं किया एक भी दिन, रोज एक नई सिटी बदलता हूँ। योग, 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 तो गाइस देखो ये पब्लिक है, ये रिटर्न आ रही है दर्शन करके। और ये देखो, ये आदि योगी बाबा का जो है, ये पीछे की साइड है हम लोग अभी, और हम जा रहे हैं अभी आगे की साइड में। तो पीछे की साइड से आप ये देखो कि ये कितना मतलब हाइटेड है, और कितना मतलब प्यारा, पीछे से एकदम ऐसा लग रहा है कि हाँ एकदम कुछ है सामने, एकदम अट्रैक्टिव और ज़ोरदार सा। और आगे से देखोगे तो यार खुश हो जाओगे। चलिए अब आगे से दिखाता हूँ, स्किप करके मत देखना, धीरे धीरे देखोगे तो मज़ा आएगा, ठीक है? थोड़ा सस्पेंस रहना चाहिए, तो क्या है कि और मज़ा आए। चलिए चलते हैं। और इधर देखो, कोकोनट ट्री के एकदम फुल पेड़ों से भरे हुए बाग। और इधर देखो क्या बड़े बड़े पहाड़ है, पर्वत है। इन नज़ारों को देखो आप, महसूस करो कितना प्यारा लगता है। चलते हैं अब आगे। चलिए हमने यहाँ पे अपने शूज़ रिमूव कर दिए हैं, और ऐसा है कुछ यहाँ पे नज़ारा, देखिए ये देखिए पब्लिक कितनी है। काम करते हैं हम, वहाँ अपना बैग भी रखते हैं, शूज़ भी रखते हैं, तो क्या है कि सही रहेगा, दोनों चीज़ एक जगह रहेंगी और हमें वज़न भी नहीं लगेगा। हम अपने शूज़ को यहाँ रिमूव करते हैं, ये हमने कर दिया अपने शूज़ रिमूव, और यहाँ बैग रखने की भी अच्छी जगह है, ये रख दिया हमने अपना बैग यहाँ पे, है ना एकदम मस्त जगह, गंदा भी नहीं होगा नीचे से, वैसे गंदा तो बहुत हो गया, लेकिन सोच रहे हैं जितना हो सके बचा लें। और ये फाइनली हम पहुंच चुके हैं देवों के देव महादेव के पास। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं बाबा आदि योगी के दरबार में,
और ये है अपने पीछे बाबा आदियोगी। तो देखिए कितनी प्यारी और कितनी बड़ी मूर्ति है, कितना बड़ा स्टैचू है। देखिए आपने वीडियो वगैरह में देखा होगा काफ़ी जगह पे, लेकिन आज यहाँ भी देखिए कितना प्यारा और कितना अच्छा, एकदम मतलब यार ज़ोरदार तारीफ करूँ इतनी कम है, लेकिन बहुत ज़ोरदार। देखिए आप खाली देखिए ये है बाबा आदियोगी का दरबार, और चलते हैं अब ऊपर। और ये कुछ पूजा वगैरह चल रही है। अभी देखो सामने पहाड़ पर कैसा धुआं धुआं है। और ये देखो ये है बाबा आदिदेव। भाई यार कब से मैं भी सोच रहा था यहाँ आने के लिए, लेकिन फाइनली आज आ गया और आज देखी। परिक्रमा लगाना तो बनता है ना। जोरदार है यार, जोरदार मतलब जोरदार से भी जोरदार। ये देखो पूरी बाउंड्री त्रिशूल की है। ये देखो देखो खाली मुंडी पूरी ऊपर की तरफ हो जाती है। ये हैं देवों के देव महादेव आदि देव शंकरा। क्या बात है यार, मान गया मैं। उस तरफ पहाड़ हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं उस तरफ, और उस तरफ जो बड़े बड़े पहाड़ हैं वो अभी दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ पे मौसम है वो थोड़ा सा ठंडा हो रहा है, कोहरा जमा हुआ है, जिसकी वजह से वो नहीं दिख पा रहे हैं। तो गाइस वो जब क्लीन दिखते हैं तो नज़ारा एक नंबर, मतलब बहुत ज़ोरदार होता है, बहुत अच्छा दिखता है नज़ारा। मैं मतलब जितना बोलूँ उतना कम है, लेकिन इस जगह पर आके आपको जो सुकून मिलेगा, और बहुत शांति वाली जगह है, अच्छी जगह है। देखिए है ना क्या नज़ारा है। और हम उन सामने दिख रहे पहाड़ों के पास भी जाएंगे, तो व्लॉग देखते रहिए। तो गाइस ये कैसी लगी आपको, और ये व्लॉग कैसा लगा, और ये मतलब आदिदेव बाबा की मूर्ति कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो क्या है कि उससे मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ मतलब मैं मुझे तो पता है कि मैं सही जगह पे आया हूँ, लेकिन आपको क्या पसंद है ये भी थोड़ा पता चलेगा। तो एक कमेंट और लाइक तो कर दीजिए। देखिए देख लीजिए आप खाली पब्लिक है यहाँ पे फुल, और अभी दोपहर का टाइम है गाइस, तो दोपहर के टाइम में ये पब्लिक है, तो नाइट का तो नज़ारा यहाँ पे एक नंबर होता है। और अभी थोड़ी बहुत धूप भी है, थोड़ा मौसम हल्का सा गर्म है, तो भी उसकी वजह से कोई फ़र्क नहीं है, पब्लिक है अभी भी, और ये बहुत अच्छी बात है। तो यार साउथ इंडिया ट्रिप पे ये काम मतलब बहुत अच्छा हो गया मेरे, मतलब मैंने काफ़ी स्टेटस देखे थे लोगों की, गाड़ी के डैशबोर्ड पे यही आदिदेव बाबा की मूर्तियाँ रखी हुई देखी थी, और आज मैं खुद यहाँ पर हूँ यार, बहुत मज़ा आ गया। ये हैं बाबा, देखो आदिदेव बाबा के सात रूप।
तो गाइस हमारे दर्शन हो चुके हैं बाबा आदिदेव के, अब चलते हैं आगे। और भी यहाँ पे है एक्सप्लोर करने के लिए, उसको भी एक्सप्लोर करते हैं। और अगर आपके पेंडिंग है तो आपने तो कर ही लिया दर्शन वीडियो देख के, और अगर किसी के पेंडिंग है तो वीडियो शेयर करके उनके भी दर्शन करवा दो। और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसी कामना करते रहें कि आप भी आओ एक दिन यहाँ पर आओ और देखो। तो गाइस चलिए चलते हैं अब आगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। तो ब्लॉग का करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।